लोग जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, और मैं जब सुबह उठता हूँ तो कभी कमर में दर्द तो कभी पैरों में, और आज तो सर दर्द कर रहा है। हो सकता है कल का फ्री का खाना खाकर कुछ ज्यादा ही सो गया। वैसे सर दर्द से छुटकारा पाने का एक ही इलाज है, वो है गर्मा गर्म कड़क चाय। तो मैं गया किचन में मम्मी के हाथ का चाय पीने, लेकिन ये क्या मम्मी लोटा से चाय दे रही है? फिर पूछने में पता चले ये कॉफी है, लेकिन लोटा में कॉफी, इसको लोटा कॉफी बोलते हैं। इससे अच्छा चाय बना देती, मतलब ये भी बढ़िया है। एक तो सर में दर्द, ऊपर से ये लोटा कॉफी, वैसे बना तो टेस्टी था। फिर मैंने पूछा ये आपने बनाया कैसे? तो इसको बनाना बहुत इजी है। पहले एक लोटा लो, उसमें एक चम्मच कॉफी, एक चम्मच हनी और एक चम्मच चॉकलेट सिरप। अगर चॉकलेट सिरप नहीं है हमारे तरफ मिडिल क्लास हो तो डेयरी मिल्क को मेल करके डाल। फिर इसमें एक चम्मच मिल्क पाउडर डाल के लास्ट में गर्म दूध मिलाकर कुछ देर शक्तिमान की तरह घुमा दो। बस बन गया लोटा कॉफी। एक बार ट्राई जरूर करना, अगर खराब लगे तो मुझे मत सुनाना। बाकी मैंने मम्मी को बोला सर दर्द हो रहा है, या तो चाय पिला दो या सर में चंपी कर दो। और मम्मी के हाथ का चंपी मतलब लाइफ का सारा टेंशन और डिप्रेशन खत्म। फिर मैंने मम्मी को बोला बचपन का कोई स्टोरी सुना तो मूड फ्रेश हो जाएगा। एक बार तुम स्कूल में पैंट में चोटी कर दिया। आगे का स्टोरी मैं आप लोगों को नहीं सुना सकता। सोचा था मूड फ्रेश होगा और मूड खराब हो गया। फिर अचानक से दरिंदा आता है, तो क्यों ना इसको भी लोटा कॉफी पिला दिया। वैसे इसको देख के नहीं लगता इसको लोटा कॉफी अच्छा लगा। खैर आप लोग ट्राई करके जरूर बताना, बाकी ब्लॉग और लाइक कर दे।